हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 प्रैक्टिस शीट 6 का 6 क्वेश्चन जो क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है गिव द वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन विद हाईएस्ट एनर्जी इन सोडियम एटम। सोडियम एटम के अंदर टोटल हमारे पास एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। आउट ऑफ 11 इलेक्ट्रॉन हमें उस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर लिखने हैं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन हमारा सबसे हाईएस्ट एनर्जी का है। अब सबसे हाईएस्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? जो हमारा आउटर शेल में या वैलेंस शेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली अगर मैं सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो ये जो हमारे पास हमारा कन्फिग्रेशन आ रहा है 3s1, ये हमारा वैलेंस शेल का कन्फिग्रेशन है। इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाईएस्ट होगी। तो बेसिकली हमें इसी इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो है वो बतानी है। अब 3s1 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहाँ पे ये मेरा 3s ऑर्बिटल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे ये थर्ड शेल है तो n की वैल्यू आ जाएगी 3। s सब शेल के लिए l की वैल्यू आ जाएगी 0। n की वैल्यू 3 आ गई, l की वैल्यू 0 आ गई। m हमारे पास होता है यहाँ पे -L2+L, क्योंकि l की वैल्यू 0 है, आप पुट करोगे तो n की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। फाइनली हमें हमारे स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू देनी है, यानी कि एस की। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम हमेशा क्लॉकवाइज फिल करते हैं तो एस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +R। तो हाईएस्ट एनर्जी वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके कोरस्पोंड ये चारों वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूरा हो चुका है। फिर भी अगर आपका क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।